आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे मैसूर अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो उसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटिव डेली जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी मैसूर से निकली है अप्रेंटिस के बारे में, ठीक है। इसकी हम नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 11 मई 2022 को आया है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन आर इन्वाइट थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर क्वालिफाइड एलिजिबल कैंडिडेट ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर जो कि इन्होंने पास किया है 2019-20-21 में। बिलोंग टू आपको कर्नाटक स्टेट, अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगी जो कि 22-23 तक रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपका डिसिप्लिन देगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर के लिए 70, यहाँ पे 10 है इलेक्ट्रिकल के लिए 10-70 और आपके सिविल में 10। 9000 स्टिपेंड है एक साल का। कैटेगरी यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियर की 45 और 10 नहीं टोटल 55 है, 8000 रहेगी, ठीक है। 8000 1 ईयर आपका रहेगा ड्यूरेशन। यहाँ पे देखते हैं आपका जो ग्रेजुएट शुड पास आपका होना चाहिए प्रोसेस BE/BTECH रिपना यूनिवर्सिटी से या आपका AICTE अप्रूव या सेंट्रल या सेंट्रल से, ठीक है, एप्लीकेबल ब्रांच। टेक्नीशियन डिप्लोमा की बात करें 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए फॉर पॉलिटेक्निक कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट या सेंट्रल आपका इन एप्लीकेबल ब्रांच है। एलिजिबिलिटी की बात करें आपका जैसे कैंडिडेट BTECH आपका जो है डिप्लोमा होल्डर है या प्रोविजनल है, BTECH डिग्री सर्टिफाइड अपनी इन एप्लीकेबल ब्रांच। कैंडिडेट शुड हैव स्कोर मिनिमम पासिंग ईयर ऑब्टेन डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग 2019-20-21 में, ठीक है। कैंडिडेट वो ऑलरेडी अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। एज यहाँ पे शुड नॉट बी लेस देन एज विल बी फॉलोइंग अप्रेंटिस रूल के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे SC/ST है आपको आपका रिजर्वेशन का आधार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं आपका जो रिजर्वेशन रहेगा उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रूव करने के लिए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं जनरल कैटेगरी की यहाँ पे आपको अपने जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट की। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे जो कि क्लास 4 के अनुसार है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। ड्यूरेशन ट्रेनिंग का 1 साल का रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग साउथ रीजन श्योर द विद द टास्क प्रिपरेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फ्रॉम ऑनलाइन डेटा शॉर्टलिस्ट प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर क्वालिफाई एग्जामिनेशन। ओनली आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी आपका इंटीमेटेड थ्रू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है। तो उनको इंटरटेन किया जाएगा जिनका आपका जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ईमेल आईडी के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट होंगे ऑफिस जनरल मैनेजर AHRA या आपको ऑफिस खुल में जो होंगे आपको लेकर आने होंगे, ठीक है, दिए गए एड्रेस पर। तो देखिए प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन सबमिट एप्लीकेशन के, देखिए जिन्होंने आपका जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा है बोर्ड पर तो वो उनको सिंपल ही क्या करना है, यहाँ पे देखिए लॉगिन करना है, एस्टेब्लिशमेंट पे जाएंगे, रिक्वेस्ट मेन्यू पर फाइंड एस्टेब्लिशमेंट, अपलोड रिज्यूम करेंगे। यहाँ पे एस्टेब्लिश का नाम है आप जैसे चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिशियन सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर्च करेंगे और अप्लाई यहाँ पे कर देंगे। जिन्होंने नहीं किया है सबसे पहले इनरोल करेंगे, इनरोल करने का कंप्लीट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल को कम करेंगे, यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा ईच कैंडिडेट को जनरेट होगा उसको नोट करेंगे। एटलीस्ट वन डे फॉर एनरोलमेंट वेरिफिकेशन अप्रूव होने के बाद उसके बाद आपको स्टेप टू करना है जो कि मैंने बताया, फिर से लॉग इन करेंगे। यहाँ पे अगर देखिए लॉग इन करिए स्टेब्लिश में रिक्वेस्ट मिली फाइंड स्टेब्लिश में अपलोड रिज्यूम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। 16/5/2022 से आपकी स्टार्टिंग है, 2/6/2022 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। NITS पोर्टल पे आपको देखिए 2/5/6 तक करना है, लास्ट डेट आपको अप्लाई करने के देखिए 2/6 के बाद आपको 3 करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखिए 7/6 तक आपको समय दे रखा है, ठीक है, उससे पहले कर लेते हैं। डिक्लेरेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 10/6/2022 को, वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको देखिए जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होगी यहाँ पे 14/6/2022 को, टाइमिंग 11 से 4 बजे, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं स्टूडेंट एनरोलमेंट वेब पोर्टल दे रखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं।
से अपना इनरोलमेंट यहाँ पे कर सकते हैं एनएटीएस के पोर्टल पे। यहाँ पे आपको सिंपली इनरोल करना है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको खुद ही करना है। यहाँ पे आपको देखिए जो आ रहा है आपका जो क्वेश्चन नंबर गाइडलाइंस है, इनरोलमेंट फॉर्म है, प्रीव्यू कन्फर्म रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखिए जो स्टेट है आपको बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं जो कर्नाटक स्टेट चुन लेता हूँ। आई एम हैविंग कम्प्लीटेड यहाँ पे करना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी है आपने कब किया है उसके बारे में बता दें। थ्रू कब किया है, रेगुलर है तो यहाँ पे बता दें। हैवी अंडरटेकिन पुलिस चेकिंग यहाँ पे नो कर दें। यहाँ पे आप यू एफ का एक्सपीरियंस नो कर दें। इस तरीके से यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको उस तरीके देखने को मिल जाए। इस पर आप क्लिक करेंगे आई हैव अबव डाटा, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद स्टेप बाई स्टेप करके फॉलो करके आपको अपनी जो है कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन को प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। जैसे करने के बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाकर आपको वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो स्टेप बताए थे वो फॉलो करना है। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा जिससे कि आप इजीली आप अप्लाई कर पाएँ और नोटिफिकेशन को पढ़ सकें। अगर उसके अलावा भी कोई डाउट है, आप लोग फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों की सहायता करूंगा मैं। तो फ्रेंड ये थी आपकी वैकेंसी निकली जो कि आपकी मैसूर से थी, अप्रेंटिस की वैकेंसी का है। आई होप आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल पर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। वीडियो